हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारगे टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें सिक्योर फास्ट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक फास्ट सेव एंड सिक्योर वीपीएन एप्लीकेशन जिसके अंदर यूजफुली इजिली ऑप्शन दिया हुआ है गाइस इसका। एंड गाइस, इसके अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कंट्रीज के सर्वर्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आप यूजिंग करके आप इसके इजिली तरीके से यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको यूजिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो दोस्तों 5.0 की रेटिंग अवेलेबल है। इतनी सारी रेटिंग्स ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। उसके बाद अदरवाइज काफ़ी सारी कंट्रीज के सर्वर्स अवेलेबल है। चॉइस और मल्टी नेटवर्क ऑप्शन दिखाई देगा। प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल है। स्पीडिंग हाई ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड आपको दिखाई देंगी और इसको किस प्रकार से आप यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए करते मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया है जिसके अंदर एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर टच करना है। 3 टाइम नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टच कर देना है। गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टच करेंगे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वेलकम ऑप्शन दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ पे 3 डॉट वाइज लाइन दिखाई देंगे। फीडबैक है ऑप्शन है, रेटिंग है एंड प्राइवेसी पॉलिसी का अवेलेबल से शेयरिंग ऑप्शन अवेलेबल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, यहाँ पर टच करना है यूएस वाले ऑप्शन पे एंड काफ़ी सारे कंट्रीज के सर्वर्स आपके सामने दिखाई देंगे। किसी भी एक कंट्रीज के सर्वर्स को यहाँ पे चूज योर लैंग्वेज के ऑप्शन पर टच कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इंडोनेशिया के ऑप्शन पर टच कर दो, कुछ परमिशन मांगेगा अल्सो अलाउ कर देना है। अल्सो अलाउ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों वेट करना है। यहाँ पे इस प्रकार से वेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा, वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस योर सर्वर्स दिखाई देगा, तो यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी ऑन हो जाएंगी, तो कनेक्टिविटी करते हैं जब तक यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं आगे का ऑप्शन। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैं देख सकता है कि यहाँ पे इंडोनेशिया का सर्वर्स मैंने कनेक्टिविटी पे ले लिया। अब यहाँ पे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड दिखाई दे रही होंगी आपके सामने। आपके सामने इस प्रकार से अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे चॉइस योर सर्वर्स ले लिया, जो कनेक्टिविटी चाहता था वो कनेक्टिविटी ले लिया। जितने भी आप कनेक्टिविटी लेंगे यहाँ पे वन बाय वन आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पे इस प्रकार से स्लाइजर्स ऑप्शन के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देंगे काफ़ी सारी कंट्रीज के सर्वर, चॉइस और ऑप्शन अवेलेबल से आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। अब जिस चीज़ के लिए अपन ने इसको यूजिंग करना था उस चीज़ के लिए यूजिंग कर लिया। आप जिस प्रकार से इसको यूज़ करना उस प्रकार से आपने इसको यूज़ कर लिया। अब इसको आप डिसकनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से ऑप्शन, इस ऑप्शन को टच करना है। टच करते ही यहाँ पे ऐड आएंगे, ऐड को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऐड को कम्प्लीटली होने देना है। एंड कम्प्लीटली होने देने के बाद यहाँ पे जो रेटिंग वगैरह रहेंगे, रेटिंग वगैरह मांगेगा तो यहाँ पे आप आपके ऑप्शन से रेटिंग दे देना और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा और आप डिसकनेक्टिविटी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।